हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट दैट यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू योर कार्ड्स हियर गाइज, आई फील लाइक हमारे पास है द सन, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ वॉन्स एंड द थ्री ऑफ वॉन्स। सबसे पहला चीज़ दैट आई एम गेटिंग हियर इज़ दैट आप आज बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे किसी चीज़ के बारे में। लाइक आपको लगेगा कि फाइनली आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप ढूंढ रहे थे, फाइनली आपको कुछ ऐसा हासिल हुआ है जिसका आपको तलाश था या जिस जो आपका टारगेट था। सो आई सी आज के दिन आप कुछ टारगेट्स अचीव कर रहे हो, कुछ विशेज हैं आपके जो फुलफिल हो रहे हैं, या लाइक आपको अंदर से एक सुकून महसूस हो रहा है कि चलो मेरा ये काम हो गया, या चलो मैं जो सोचा था वो मैं कर दिखाया, समथिंग ऑन दैट टर्म। ओके, आई ऑल्सो फील हियर दैट आज आपको जो करना है इज़ आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है, साथ साथ आपके पास वो सारा गाइडेंस होगा जो आपको चाहिए। तो आपको आज किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और सिचुएशन से आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके पास वो सारा गाइडेंस है, आपके पास वो सारा नॉलेज है, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए आज का दिन सक्सेसफुल बनाने के लिए। आज आप स्टेबल फील कर रहे हो एंड फाइनली किसी टाइप का रिवॉर्ड, ब्लेसिंग या किसी टाइप का न्यूज़ आप रिसीव कर रहे हो जो आपको एक सुकून, एक स्टेबिलिटी वाला फीलिंग दे रहा है। आई ऑल्सो सी हियर दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो आज बहुत सारे लोग आपको आके लाइक आपसे बहुत ओपनली बात करेंगे। मे बी ये लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे आपसे, या फिर ये लोग हमेशा से थोड़ा सा सीक्रेटिव हुआ करते थे, खुल के बात नहीं करते थे, या कुछ चीज़ें ये लोग अपने तक रख देते थे। बट आज आप देखोगे दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो आपसे खुल के बात कर रहे हैं, जो मे बी अपने बारे में कुछ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, जो मे बी अपने फीलिंग्स के बारे में आपको बोल रहे हैं। सो देर इज़ समथिंग लाइक ओपनिंग अप। आप इमोशनली कुछ लोगों से बहुत अच्छे से बॉन्ड कर पाओगे आज, बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि लोग उसे देख के लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, या इस पर्सन मुझे सही एडवाइस दे सकते हैं, या ये पर्सन सच में टैलेंटेड है, या ये पर्सन सच में बहुत ही नॉलेजेबल है। सो लोग काइंड ऑफ आपको आपके ऊपर, आई एम हियरिंग कुछ लोग डिपेंड कर रहे हैं, या कुछ लोग अपने बहुत ही लाइक पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग फाइनली आप पे भरोसा कर पा रहे हैं। ये लोग फाइनली इन लोगों को लग रहा है कि आप सही इंसान है उन लोगों के लिए, या आप एक सही फ्रेंड है, या आप एक ऐसे फ्रेंड है जो फ्रेंड नहीं, लाइक आप एक ऐसे इंसान है उन लोगों के लाइफ में जो उन लोगों को लाइक सही डायरेक्शन दिखा सके। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, आई सी लाइक इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड महसूस करोगे। इमोशनली बहुत सारे लोग आपसे बातें करेंगे, इमोशनल कॉन्वर्सेशंस होगा, चाहे वो आपका आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, आपके लवर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, डजंट मैटर। लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस, इमोशंस का बाहर आना, इमोशंस के बारे में बात होना, या बहुत दिल से किसी से बात करना, दिल से किसी को ब्लेसिंग देना, दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा चाहना, इट्स लाइक दैट। करियर वाइज आई सी लाइक आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो आज। सो कोई भी टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी चीज़ जो आपके विशलिस्ट में है, जो आप टिक करना चाहते हो, कोई भी पेंडिंग काम जो बाकी था, वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सर पे आज होगा, आप उसे बहुत ही स्मूदली, बहुत ही अच्छी तरीके से एफर्टलेसली कर पाओगे। सो जो लोग करियर में इंटरेस्टेड हो, आई फील लाइक टेक एक्शन।
टेक एक्शन बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप आराम से कर लोगे, आप आराम से कर लोगे। आज करियर को लेके उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ आप बस एक्शन अगर ले रहे हो तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा, या जो टारगेट आपने सेट किया है आज के लिए वो टारगेट आप बड़े ही आराम से अचीव कर पाओगे। एंड उसके साथ साथ देर इज़ अ गुड न्यूज़ जो आपके करियर में आ सकता है, अगर आज नहीं तो आने वाले 3 दिन में, या आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उससे 3 घंटे के अंदर। इट डिपेंड्स, हर किसी के लिए ये डिपेंड करेगा, बट मैक्स टू मैक्स विद इन द नेक्स्ट 3 डेज आई एम हियरिंग, बिकॉज द 3 of Wands इज गिविंग मीन्स एनर्जी ऑफ लाइक कुछ स्टेबल, कुछ गुड न्यूज़, कुछ कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन जिसका आपको इंतज़ार था, या जो एज अ सरप्राइज आपको मिल सकता है, दैट इज़ कमिंग। आपका करियर पहले से ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, आपका करियर में आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिसका आपको इंतज़ार था, या कोई मनी जो आपको कहीं से किसी से मिलने वाला था, वो पैसा आप फाइनली रिसीव करोगे। ओके, सो एनी वेज आज के दिन जो मेन मैसेज दैट आई एम गेटिंग हियर इज फोकस ऑन योर इमोशनल साइड मोर, क्योंकि करियर तो अपनी जगह ठीक है, बट आपका जो इमोशनल कनेक्शंस है लाइफ में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने मैरिज में, अपने पार्टनर के साथ, इमोशनल कनेक्शंस के ऊपर फोकस करो, बिकॉज ये इमोशनल कनेक्शंस आज एनहांस होने वाले हैं, ये इमोशनल कनेक्शंस आज पहले से बेटर होने वाला है। सो आई फील अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, बहुत सारा कंसर्न आपके पास आएगा लोगों का, या लोग बहुत ही फ्लूइडली आपसे बात करेंगे, सो आपको भी अच्छा लगेगा, इन लोगों को भी अच्छा लगेगा, सो ओपन अप टू दैट। अगर लव लाइफ की बात करूँ, इट्स द सेम, बिकॉज आई फील लाइक देर इज़ अ पर्सन जिनके मन में बहुत सारे फीलिंग्स हैं आपके लिए, एंड ये पर्सन कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या कोई सीक्रेट एडमायरर टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपसे ओपनली ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करते, या अभी तक किए नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में है ऑफ एंड ऑन ही सही, बट ये पर्सन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, एंड आई फील लाइक ये पर्सन फाइनली तैयारी ले रहे हैं टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू यू, टू कम फॉरवर्ड एंड यू नो अपने आप को एक्सप्रेस करना आपके सामने, या अपने फीलिंग्स के बारे में बात करना। सो इस पर्सन काइंड ऑफ एक डिसीजन ले रहे हैं। आई एम अगेन हियरिंग अगला जो 5 दिन होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लव लाइफ में, बिकॉज कोई यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, कोई यहाँ पे कुछ हिंट देने वाले हैं, बट ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बट व्हाट आई सी हियर फॉर यू गाइज इज़ दैट डेफिनेटली देर इज़ अ पर्सन जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एंड इट डजेंट मैटर कि ये पास्ट पर्सन है या क्या पर्सन है, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। ये बहुत टाइम तक इसे छुपा रहे थे, या घुमा फिरा के चल रहे थे, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट फाइनली ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं, एंड फाइनली इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता, नो मैटर कितने ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टी है या नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज ये पर्सन को लगता है कि टाइम आ चुका है कि ये एक्शन ले, टाइम आ चुका है कि ये अपनी सच्चाई को बाहर लेके आपके सामने। सो जस्ट वेट फॉर दिस, ठीक है? इस वक्त आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने स्टेबल एनर्जी में रहना है, जो भी करेगा ये पर्सन करेगा, जो भी होगा इस पर्सन के साइड से होगा। सो आपको खुद से कुछ ज़्यादा यू नो एक्शन वगैरह अपने लव सिचुएशन में नहीं लेना है, फोकस करो अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने सेटिस्फैक्शन पे जिंदगी में, एंड बहुत जल्दी यहाँ पे चेंजेस आएगा बोथ करियर में प्लस आपके लव या इमोशनल साइड में, बहुत जल्दी एंड बहुत पॉजिटिव चेंज होगा ये। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।